यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। बात अगर देश की आजादी की हो तो न जाने कितने ही मुकाम हैं, ना ही कितनी इमारतें हैं जिसके इर्द गिर्द आजादी की इबारत लिखी गई। लेकिन उन्हीं इमारतों में एक खास इमारत है, तीन मूर्ति भवन। और तीन मूर्ति भवन आजादी के पन्नों में इतिहास में दर्ज है, और दर्ज कई वजहों से है। एक तो उसकी बड़ी वजह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसी तीन मूर्ति भवन को चुना अपने निवास स्थान के तौर पर, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जो हमारे पीछे है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। सन 1930 में इसकी पूरी रूपरेखा तय की गई थी, और इसे पहले तीन मूर्ति भवन नहीं बल्कि फ्लैग स्टाफ रोड कहा जाता था, और इसका बनाने वाले आर्किटेक्ट थे रॉबर्ट टॉर रसेल। रॉबर्ट टॉर रसेल वही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जाने माने कनॉट प्लेस का पूरा डिजाइन, पूरा नक्शा और पूरी इमारत उन्होंने ही बनाई थी। और इसमें भी, इस तीन मूर्ति भवन में भी जो इस्तेमाल किया गया पत्थर वो सफ़ेद पत्थर था। आमतौर पर कई सारे जगहों पर दिल्ली में लाल पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे संसद भवन है, लाल किला है, लेकिन इसमें सफ़ेद पत्थर इस्तेमाल किया गया। और इसका जो आर्किटेक्चर था वो विक्टोरियन, यानी जो इंग्लैंड का आर्किटेक्चर था और साथ ही साथ फ्रांस के आर्किटेक्चर को एक साथ सम्मिलित करते हुए भी बनाया गया। तो साल 1947 की बात है, और उससे पहले इस पूरी इमारत को फ्लैग स्टाफ इमारत कहा जाता था। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब 1930 में यह बना तो जो कमांडर इन चीफ हिंदुस्तान में ब्रिटिश आर्मी के हुआ करते थे उनका निवास स्थान था, और यह करीब 30 हेक्टेयर में बनी हुई पूरी इमारत है। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि आखिरकार इसे तीन मूर्ति भवन क्यों कहा जाता है। तीन मूर्ति भवन कहने के पीछे लगी तीन मूर्तियां हैं, उनके पीछे भी अपना इतिहास है। क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो 1915 में जो अंग्रेजी सेना थी उसके साथ तीन घुड़सवार दस्ता हिंदुस्तान का गया, जिसमें एक जोधपुर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा मैसूर था। और उन्हीं तीनों घुड़सवार दस्तों ने तब जो वार ऑफ हाइफा था उसमें झंडा बुलंद किया, उसमें कई जो हमारे सैनिक थे वो शहीद भी हुए। उन्हीं की याद में एक बनाया गया उनके स्मारक के तौर पर, तीन जो यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गईं उन तीन रेजिमेंटों को याद करते हुए। और उसके पीछे भी एक खास तौर पर लियोनार्डो जेनिंग्स का नाम आता है, जो महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट थे, और उन्होंने ही ये तीन मूर्तियाँ बनाई, और उनकी याद में ये तीन मूर्ति स्क्वायर है और उसके सामने बसा तीन मूर्ति भवन है। तीन मूर्ति भवन हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है, पहले प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, और 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, जब तक प्रधानमंत्री नेहरू जिंदा रहे तब तक लगभग 17 साल उन्होंने इसी तीन मूर्ति भवन में बिताए, यहीं पर महत्वपूर्ण बैठकें हुआ करती थी। और जब प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद इसे एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। तब राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के 75वीं जयंती के मौके पर इसको एक संग्रहालय में तब्दील करने का फैसला लिया। उस समय जो उसके बाद सन 1966 में ये पूरी तरीके से संग्रहालय बना दिया गया, और बाद में जब अभी मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उस समय इसे फैसला लिया गया कि इस तीन मूर्ति भवन को सभी प्रधानमंत्रियों के स्मारक के तौर पर, उनके संग्रहालय के तौर पर कहा जाएगा, और इसीलिए इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय अब कहा जाता है। तो ये थी कहानी तीन मूर्ति भवन की और उससे जुड़ी हुई आजादी की दास्तां की।